हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन प्लस बड जी जो कि व्हाइट कलर में है मेरे पास, उसको अनबॉक्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ये करंटली ऑनलाइन 2999 का अवेलेबल है, लेकिन अगर आप वन प्लस की साइट से खरीदते हो और आपके पास रेफरल कोड है तो आपको 2899 या 2799 का भी पड़ सकता है। तो देखते हैं कैसा है और इसके कौन सी स्पेसिफिकेशन से, और ये इसके साथ जो दूसरे कंपटीटर से जैसे ओप्पो का हो गया, फिर बाकी नोकिया के भी नए नए बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनके साथ ये कैसे कंपेयर करता है, रियलमी के भी बहुत सारे हैं, तो उनके साथ कैसे कंपेयर करता है, उसकी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली इसको चूज किया। तो देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं और फिर बाद में उसको डिस्कस करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स करने के लिए आपको कोई कैसी उसकी जरूरत नहीं है, इन लोगों ने वन प्लस कॉपी करते हुए किया है, तो खाली एक फुल टैप पुल करना है और फिर बाद में आप इसको इजीली अनबॉक्स कर सकते हैं। अभी मेन हाईलाइट्स के ऊपर जान लेते हैं। तो इसके ऊपर क्लियरली लिखा है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लाइक बेस बूस्टेड, 20 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस, कंफर्टेबल एंड कूल डिजाइन और सीमलेस कनेक्शन। अब ये सीमलेस कनेक्शन इसका मतलब क्या है, अगर आपको पता हो कि जो गूगल का क्विक पेयर है और माइक्रोसॉफ्ट का क्विक कनेक्ट है वो इसके साथ इनबिल्ट आता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको चूज किया। लाइक अगर वो चीज़ नहीं होती तो वो चीज़ मेरे लिए डील ब्रेकर थी, इसलिए भले इसका ऑडियो MM ड्राइवर ओप्पो से कम है, भले इसका डिज़ाइन दूसरी चीज़ों से लाइक मतलब नॉट सो गुड है, लेकिन फिर भी ये जो एक चीज़ थी सीमलेस कनेक्शन, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ये मेरे लिए एक डील ब्रेकर चीज़ थी, इसलिए मैंने इसको देखा है। अगर हम पीछे डिटेल्स लिखे हैं तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स लिखी है, कंटेंट लिखे हैं और ये मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ तो वो दिखे, तो ऑब्वियसली चाइना में बने, कंपनी भी चाइना की है, लेकिन MRP जो लिखी है वो है 3190, लेकिन मुझे ये करीबन 3000 से कम का ही पड़ा है, तो वो एक चीज़ है। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अभी हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि अंदर की क्या चीज़ें हैं। A few moments later. Alright, तो इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं। तो ये है वन प्लस बड जी लाइट, व्हाइट कलर में है, इसको कवर लोग हम लोग कवर को निकाल के साइड में रखेंगे थोड़ी देर, बाकी सब चीजें कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये काफी सॉफ्ट है, लेकिन जो है ये थोड़ा रबराइज फिनिश में है, तो इसको अगर आपको यूज करना तो कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए। और फिर बाद में बॉक्स के अंदर और चीजें हैं, लाइक बर्ड्स फॉर लाइफ है लिखा है इसके अंदर, देख लेते क्या क्या कंटेंट्स है। ऑलराइट, तो केबल कलर है रेड कलर का, टाइप सी केबल है, तो ये एक है। और फिर बाद में है ये बुकलेट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड करके है, अगर आपको इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, आई थिंक आई डोंट नीड दिस। उसके अलावा है ये सेफ्टी वारंटी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको वो उसको क्लेम करना हो तो इधर इजीली कर सकते हैं आप। और फिर बाद में रेड केबल क्लब आइकॉनिक वन प्लस, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, खैर मैं तो यूज़ नहीं करूँगा इसे। बाकी और भी एक चीज़ है, टिप्स है, ये ईयरबड टिप्स है, अगर आपका साइज अलग है तो आप इसको इजीली लगा सकते हैं। और तो बाकी कुछ है नहीं, बस इधर लिखा है एंजॉय योर बड्स। तो बस अनबॉक्सिंग के एक्सपीरियंस के लिए तो इतना ही था, अभी मैं आपको इसका रिव्यू देने की कोशिश करूंगा कि कैसी कैसी चीजें हैं। अरे हाँ, मैं आपको इसको खोल के तो बताना भूल गया। ऑलराइट, तो ये है, मेरे दोस्त के पास ऑलरेडी थे तो मैंने इसको थोड़ा यूज करके देखा था। तो ये है लाइट जल रही है इधर, लाइक इसको अगर आप ओपन क्लोज चार्ज करेंगे कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए है। ये टाइप सी कनेक्शन पोर्ट है और ये है इधर कनेक्ट करने के लिए ऑन ऑफ पैर बटन है। और इधर पीछे बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है, लाइक कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये इधर मैंने आपको बता दिया। और इधर लाइट है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये है लाइक, ये देखिए इधर लाइट जल रही है, अगर आपको दिख रही है तो लाइक ओपन क्लोक कनेक्शन तो बढ़िया है, इसको निकाल के देखते हैं कैसे हैं ये। तो पकड़ने में तो सही लग रहे हैं, इसको अगर आप इजिली बंद कर सकते तो वो भी है। मेरे को एक नोटिफिकेशन आया है कि डू यू वॉन्ट टू कनेक्ट योर वन प्लस बड जी, तो उसको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन ये पकड़ने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और मैं इसको आपको इनर कनेक्शन और उसके बारे में बाद में बटल्स बताता हूँ। इसके बारे में अगर हम लोग इसको क्लोजली देखें तो इधर देखिए आपको दो कनेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं और फिर बाद में एक माइक्रोफोन पोर्ट भी है। और ये है लाइक बेसिक से, अगर आपको इसको हाथ में पकड़ के बताऊँ मैं कैसी है बैटरी लाइफ और वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक डिटेल रिव्यू बताने की कोशिश करूँगा। ये बस एक बेसिक सी छोटी अनबॉक्सिंग थी, अगर आपको इसके रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके अंदर मैं आपको एक डिटेल रिव्यू बताऊंगा लॉन्ग टर्म रिव्यू के, भाई इसको यूज़ करने का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या आपको ये चूज़ करनी चाहिए कि कंपेटिटर्स। तो बस आज के वीडियो के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाय।